कर लेगा, हिफाजत कर लेगा। आपने देखा होगा दुनिया में वाटर प्रूफ चीजें होती हैं। क्या चीज होती है बोलो? वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ होता है कि नहीं? तुमने कभी गुना प्रूफ देखा है? कैसा गुना प्रूफ? क्या चीज बोलो? गुना प्रूफ। ये कब होगा जानते हो? जब अपने अपने माहौल के अंदर में आप इस दावत की मुबारक मेहनत में जुड़े, तबलीग की मेहनत की जो हम आपसे ये जो कामगारी पूछते कॉलेज की, क्यों पूछते जानते हो? अल्लाह ने ये दावत की मेहनत की तासीर ये रखी है कि जो आदमी इस मेहनत में जुड़ेगा लगेगा, अल्लाह इसको नेकी के रास्ते पर जमाएगा और दूसरी बात अल्लाह इसको गुनाहों से बचाएगा। गंदे से गंदे माहौल में होगा क्या होगा बोलो? गुनाहों से बचाएगा। हम लोग पटरिया में, सिडनी में हॉटल यूनिवर्सिटी है, एक एरिया हॉटल वह यूनिवर्सिटी है, हमारी जमात दो दिन के लिए वहां थी, उस हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर इबादत कर रही। तो इसमें एक इसका हिस्सा लड़कों के लिए है, एक तरफ का हिस्सा लड़कियों के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तो सुबह हमारी तालीम हुई 10 से 12 में, तो बहुत से स्टूडेंट आए बैठे तालीम 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सुने चले आए आए गए। पहला दिन तो हमारा बच्चों से एक दूसरे की जान पहचान में कि तुम कहां से? फ्रॉम मलेशिया। तुम कहां? फ्रॉम इंडोनेशिया, फिलीपाइन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फलां दिख में, ये सब अलग अलग मुल्कों में बच्चे थे। फिर आखिर में हमने इनसे पूछा कि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने यहां पर ये इबादत खाना कैसे बनाया? तो इन्होंने कहा कि असल में हम अपने मुल्कों से आते हैं, अपनी अपनी जगहों पर जहां हमारी रेसिडेंट है किराए पर, वहां नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम यहां आता था तो हम लोगों ने क्लास के अंदर नमाज पढ़ना शुरू किया। तो हमारे कुछ क्लास टीचर्स जो थे, उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज की भी ये नहीं होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने हमको बुलाया, तो भाई ये क्या है? लगता हमारा इबादत का टाइम होगा, हम नमाज पढ़ेंगे। तो बोले इसको हमको सोचना पड़ेगा। बोले ठीक है, अगर आप इजाजत दो तो मंजूर है, नहीं मंजूर है अगर नहीं दोगे हम कॉलेज छोड़ देंगे। उसने देखा, पहले ही सोचा मैनेजमेंट ने कि दो चार छोड़ेंगे, लेकिन जब देखा बहुत बड़ी तादाद छोड़ रही है, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। बोले आप लोग चाहते क्या हो? या तो आप परमिशन दो या तो हमको इबादत खाना बना कर। अगर हमारे दूसरे क्लास वाले को अगर हमारी इबादत पर नमाज पर अगर इन्हें कुछ क्रिटिसाइज है, तो हमें हमें इनसे कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, हम अपना काम करेंगे, अलग से करेंगे, आप हमको अलग जगह बना कर दें। खाली मसला लड़कों का नहीं था, यूनिवर्सिटी में मुसलमान लड़कियां भी थी दूसरे मुल्कों की। मैनेजमेंट ने कहा यह हो सकता है, चुनाव चीज ये बन गया। अब ये इबादत खाना बना, तो हमने एक पार्ट लड़कों का, एक हिस्सा लड़कियों के लिए तय कर दिया। इसमें हमारे यहाँ जितने अलग अलग मुल्कों के जितने बच्चे स्टूडेंट हैं, इन तमाम की लैंग्वेज की जो किताबें हैं, हदीस की, कुरान की तफसीर है, फजाइल आमाल है, ये सब चीजें हमने छोटी छोटी लाइब्रेरी, एक मेल लाइब्रेरी, एक फीमेल लाइब्रेरी, लड़कियां लड़कियों के सेक्शन में पढ़ेगी और लड़के लड़के के सेक्शन। हमें जब भी कोई आदमी फारिग होता है, ये जो बाहर पार्कों में टहलने का और ये जो हाथ से हाथ डाल के निकलने का माहौल है, ये पूरी गंदगी से हम बच जाते हैं। हम अपना थोड़ा टाइम होते हैं, अपनी नजरों की हिफाजत करते हुए सीधे इस इबादत खाने में आ जाते हैं, वुजू कर लेते हैं, वुजू करने के बाद दो रकात नमाज पढ़ते हैं, तहतुल मस्जिद, तहतुल वुजू, कोई कुरान लेता है, कोई हदीस लेता है, कोई तारीखी किताब लेता है, कोई सीरत की किताब लेता है, जितना टाइम इसके पास होता है इतना टाइम क्या करता है बोलो? वो स्टडी में लेता है, इस्लामी स्टडी में लेता है। इससे हमारे जहनी सतह का यहाँ के गंदे माहौल से मुतासिर नहीं होती, वाजिब हो जाती है। अच्छा, इस तमाम का बैकग्राउंड क्या है? ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? ऐसे मुल्कों से आ रहे हैं जहां दावत का काम इनकी फैमिलियों में एकदम स्ट्रांग है, और आकर भी माशाल्लाह जहां जाइए रहते हैं वहां पर मस्जिदों के अंदर जुड़ना, अमाल में लगना, रस्तों में जुड़ना, मेहमान जमात की रहबरी करना, जमात की खिदमत करना, तालीम में बैठना, मस्जिद और जमात के साथ रोजाना अपने जैसे स्टूडेंट की या आम पब्लिक की मुलाकातों में साथ देना, इन अमाल की बरकत से क्या हो रहा है कि गंदे माहौल के अंदर भी आदमी की हिफाजत हो रही है, क्योंकि अल्लाह ने इसको इसकी तासीर ही यही रखी है। जब ये हमारे स्टूडेंट की नई नई मेहनत शुरू हुई, तो हमारे यहाँ आनंद के अंदर कुछ बच्चों ने अपनी हाईस्कूल के अंदर जोहर का टाइम, जैसे बच्चे ने सुना है 7:30 बजे टाइम शुरू होता है और 5 बजे तक, इनकी हाईस्कूल का टाइम यही था, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के बच्चे, तो इन्होंने
वो इनका जो ग्राउंड था जिसको खेलते थे वहां एक नीम के दरख्त के नीचे उन बच्चों ने अपनी नमाज शुरू कर दी जोर की। मैनेजमेंट ने देखा, प्रिंसिपल ने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन इसने बुलाया, बोले क्या करते हो तुम? बोले हम नमाज पढ़ते सर। बोले घर भी पढ़ सकते? बोले नहीं, हमारी नमाज तो टाइमिंग के साथ हो, हमारे दिन में 5 वक्त की नमाज है। बोले आज पहले, बोले आज फ्राइडे तो नहीं है, वो तो ये समझते हैं मुसलमान खाली जुमा को पढ़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जुमा को पढ़ने वाली होती है। बोले ऐसा नहीं है, फ्राइडे वाली नमाज नहीं है, हमारे क्या रोजाना 5 वक्त की नमाज होती है। क्या होती है? रोजाना 5 वक्त की नमाज होती है, इसलिए यहाँ एक टाइम हो जाता है नमाज का, तुम यही पढ़ लेते हैं। तो पहले तो वो भी एकदम जरा वो हो गया था कि क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल था। इसने फिर मैनेजमेंट से मशवरा किया, वहां तक ये बच्चे अपने नीम के दरख्त के नीचे बारी बारी आकर नमाज पढ़ के अपने अपने क्लासों में चले जाते थे। शुरू में दो ही थे नमाज पढ़ने वाले, इन दोनों ने क्या किया बोलो? दावत देना शुरू किया। दो थे, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, तकरीबन 22-23 हो गए। कितने हो गए? 22-23 स्टूडेंट हो गए। अब 22-23 स्टूडेंट हो गए तो इतनी बड़ी तो जगह नहीं थी कि लंबी जमात हो सके, इन्होंने दो पार्ट कर दिए भाई, चार पहले 8 पढ़ ले, फिर बाकी के 10-12 पढ़ ले, दो हिस्से में पढ़ ले। ये तकरीबन 10-12 मिनट चलती है प्रोग्राम इनका, अब सब स्कूल देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे कोई परवाह नहीं, को क्या कहता है, वो क्या देखता है, क्या बोलेगा, कुछ नहीं। कुछ समझदार इनके जो टीचर थे वो इज्जत करते थे इनकी, तो बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे लोग, हमारे स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं। बोले ये भक्ति और पूजा का काम, मालिक को याद करने का काम है, ऐसा तो होना चाहिए, मालिक को भूलकर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट को थोड़ा इस पर वो था, इन्होंने प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने सब ट्रस्टियों ने बैठकर कहा कि मैं काम करूं, इनको कोई यहां हम तुम्हारे लिए एक प्रेयर हॉल बना देते हैं। क्या करते हैं? प्रेयर हॉल बना देते हैं, आप वही नमाज पढ़ो, और आप लोग को वुजू करना चाहिए ना, बोले पानी हाथ मुंह धोने के लिए, वहां दो नल का इंतजाम कर देते हैं। चुनाचे ट्रस्टियों ने और मैनेजमेंट ने पूरे मिलकर 10 दिन के अंदर पूरा मैनेज कर दिया है, बड़ा हॉल दे दिया इनको नमाज पढ़ने के लिए, और वहां पर दो नल रख दिए। ये लड़के भी समझदार थे, ये अपने घरों पर जाकर अपने सर्कल में तश्कील करके एक चटाई लिया, और मुसल्ले तो सबके घर में होते हैं, बस एक चटाई बिछा देते और एक मुसल्ला पर सब नमाज जमात के साथ एक साथ पढ़ लेते। अब ये 22-23 पढ़ने वाले बने, इनको दूसरों को पता चला, वो धीमे धीमे एंटर होने लगे अपने दूसरे और बच्चे होने लगे। माशाल्लाह 40-41 बच्चे रोजाना जोहर पाबंदी के साथ, लड़कियां भी थी, लड़के निकल जाते लड़कियां दाखिल होती, क्या करती लड़कियां, वो नमाज पढ़ने लगी सिंगल किया दोने, और माहौल बना किसा बोलो पूरे माशाल्लाह। और नमाज, क्योंकि नमाज की तो तासीर है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज आदमी को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इसलिए मेरे भाइयों पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई कैसे होगी बोलो? कॉलेज में मौका मिले तो कॉलेज में मेहनत के साथ, स्कूलों में मौका मिले अपने दोस्तों पर मेहनत के साथ। क्या मेहनत करनी है? इनका जहन बनाना है, दोस्ती करनी है, हाय हेलो के जरिए सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, कभी इकराम कर दिया चाय नाश्ते का, कभी ठंडे का, आपकी इनकी दोस्ती हो जावे, आप वापस से दिन की दो बातें कहें कि भाई तुम्हारा पूरा दिन का स्कूल के बाद क्या प्रोग्राम होता है, कॉलेज से छुट्टी के बाद क्या करते हो आप, वहां पर आपका पूरा टाइम टेबल बताए, आपसे तेरे टाइम टेबल में नमाज कहां है, कुरान कहां है, तेरे टाइम टेबल में अल्लाह का जिक्र कहां है, तेरे टाइम टेबल खाली स्कूल ही स्कूल है, अल्लाह कहां है इसमें बताओ, हम तो मुसलमान है, हमारा तो हर काम किससे होगा बोलो? अल्लाह को सामने रखकर होगा। हमारी पढ़ाई भी किसको सामने रखकर होगी? अल्लाह को सामने रखकर। अल्लाह को भूलकर मुसलमान दुनिया का कोई काम नहीं करेगा, अल्लाह को भूल जाएंगे तो सारे कामों की अल्लाह क्या कर देगा बोलो? बरकतें खत्म कर देगा, इसका फायदा इसकी तासीर अल्लाह खत्म कर देगा। इसलिए पहली बात यह है मेरे अजीजों, हमें आपको मुसलमान बनकर जीना है। मेरी आपकी पहली पहचान क्या है बोलो? मुसलमान, ईमान वाले हैं। यह पहचान के साथ हमें दुनिया के किसी भी माहौल में रहना है, और यह बात कब पैदा होगी? जब आप अपने कॉलेजों में, अपनी स्कूलों के अंदर, अपने साथियों में रोजाना 5 मिनट 4 मिनट 6 मिनट दीन की दो बातें इनसे कहेंगे। ऐसे स्टूडेंट हैं कारगुजारियों में
पांच मिनट के लिए फजाइल अमल की तालीम। आज क्या तालीम करनी है? घर से फजाइल अमल का पूरा वो फोटो पार किया जाते हैं। क्या करते आते हैं? फोटो करके आते हैं दो सफे का, फिर अपने साथियों को लेकर बैठ जाते हैं और वो जिम्मे निकाल कर पढ़ लेते हैं। बात तो बड़ी है, इतनी उठा के कौन लाएगा? फिर आगे के दो सफे का फिर फोटो खींच लिया, फिर अपनी कॉलेज में आकर आज दूसरे दिन की तारीख। मुस्तकिल रोजाना इस तरह अपने साथियों को जोड़कर अपने माहौल के अंदर अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन की बातें, कि ये मेहनत की बरकत से अल्लाह ताला जिंदगियों के अंदर ईमान बनाएगा, यकीन पैदा करेगा, दीन पर चलने की अल्लाह ताला इस्तेदाद बनेगा और जिंदगी कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। कैसी बनेगी? पॉजिटिव। आपने अपने पढ़ने पढ़ाने के साथ और अपनी लाइफ की पूरी मेहनत के साथ अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान, दीनदार मुसलमान, अमाल वाला, सुन्नतों वाला, अहकाम वाला मुसलमान बनाए। और यही चीज मेरे भाइयों ऐन मतलूब है। एक आदमी डॉक्टर बनता है लेकिन जिंदगी में दीन नहीं है तो इससे बेईमानी के बहुत चांसेस है, जैसे आजकल होता है ना, आजकल होता है, कुछ नहीं होता है तो 8-10 किस्म का टेस्ट लिख देता है क्योंकि कमीशन का वहां से ताल्लुक है लेबोरेटरी के साथ। वो 2000 का बिल निकालता है तो टेबल नीचे के 500 किसके होते हैं? डॉक्टर के होते हैं। ये किस बात की निशानी है? ये निशानी इस बात की है कि अंदर अल्लाह का डर नहीं है, अंदर अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। हमारे बिहार में हमारे पुराने साथियों में एक शीश इंजीनियर साहब थे, इंतकाल कर गए। वो सिविल इंजीनियर थे, गवर्नमेंट पढ़ने के जमाने से दावत की मेहनत में लगे हुए। इस लगने की वजह से एक बात समझ चुके थे कि जिंदगी में हराम का पैसा कभी सुकून नहीं ला सकता है। अर्राशी वल मुर्तशी किला हुमा फिन्नार, के भ्रष्टाचार करने वाला, रिश्वत करने देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों कहां पर होंगे? दोजख में होंगे। ये बात अंदर से घर कर चुकी थी। जब ये हुकूमत के सिविल इंजीनियर बने ने एक मरतबा किसी जगह पर पुल बनाने का, गवर्नमेंट ने अपने अपने सेक्शन के अलग अलग सिविल इंजीनियर को इसका बजट बनाने को दिया, तो सबने बजट बनाकर, इनका सबसे लो बजट था, कहता था एकदम लो बजट। गवर्नमेंट हैरान हो गई, यार इतने लो बजट में तो बहुत डिफरेंस है दूसरों के दिए बजट में, इसके दिए बजट के अंदर। इन्होंने इनको बुलाया शीश साहब को और कहा कि आप ये कह रहे हैं कि इतने पैसों के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, आप ये कैसे कह सकते हैं? इन्होंने कहा कि आप मुझे सौंप दीजिए पूरा करने की जिम्मेदारी। बोले आपके जैसे और दीगर सिविल इंजीनियर ने ये प्रोजेक्ट को इतना इतना भारी बजट बताया। बोले मैंने अपने 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 हिसाब से बताया, आपको मुझ पर कॉन्फिडेंस था, मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगा इसको। चुनाकि गवर्नमेंट ने रिस्क लिया, उन्होंने इस शब्द पर रिस्क ले रहे, रिस्क आपको देखकर क्या कर रहे? बोलो रिस्क ले रहे। इन्होंने इसको अपने हाथ में लिया और जो वक्त वो गवर्नमेंट ने इनको दिया था और जितना बजट दिया था उस बजट से कम में और उस वक्त से कम में वो पूरा प्रोजेक्ट उनका पूरा कर दिया। और कहा आप इसको जिससे चाहे इसकी क्या करवा लो, तफ्तीश करवा लो, देख लो, इसको चेक कर लो, इसकी मजबूती सारी चीजें आप चेक कर लो। सारे रिपोर्ट आ गए और सारे रिपोर्ट क्या थे? पॉजिटिव, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं। गवर्नमेंट है क्या बात की? लोगों ने पूछा आपने? बोले मैंने अपनी अंदर गैप रखी ही नहीं। क्या नहीं रखी? बोलो अपनी गैप समझते हो? मेरी बात समझते हो? तुम मैंने अपना नफा अपना प्रॉफिट अंदर रखा ही नहीं है। मुझे जो लेना है अपनी ईमानदारी से किससे लेना? बोलो अल्लाह से लेना। मेरे भाइयों ये दावत की मेहनत के रास्ते से अंदर का ईमान बनेगा ना तो आदमी जिंदगी इसकी अच्छी बन जाएगी। ये अच्छा मुसलमान बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा अच्छा डॉक्टर बनेगा। लोगों में इसकी इसके इसके फन और इसकी महारत से ज्यादा इसकी दीनदारी का चर्चा होगा, अमानतदारी का चर्चा होगा। ईमानदार डॉक्टर क्या कहेंगे? ईमानदार डॉक्टर जो है वो कहेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं कहेंगे, खोटे खर्चे में नहीं डालेंगे। क्या बोलेंगे लोग? ईमानदार डॉक्टर के बारे में ये सही डॉक्टर है, सही रिपोर्ट, एकदम कंप्लीट जजमेंट होगा इसका, तुमको गलत किसी जगह पर नहीं डालेगा। इंजीनियर कंप्लीट है, खोटे खर्चे में तुमको नहीं डालेंगे। आदमी की ईमानदारी की छाप लोगों के दिलों में इसके फन और इसकी डिग्री से ज्यादा बैठेगी। क्यों? इसलिए कि आदमी ने पढ़ाई के जमाने में अपने फन में महारत हासिल करते करते, डिग्री को हासिल करते करते अपने आप को ईमान की मेहनत में लगाया है। इस ईमान की मेहनत में लगने की वजह से एक तरफ ये डॉक्टर भी बन रहा है लेकिन सच्चा ईमानदार डॉक्टर बन रहा है।
इंजीनियर बन रहा है लेकिन सच्चा ईमानदार इंजीनियर बन रहा है, वकील एडवोकेट बन रहा है लेकिन सच्चा ईमानदार एडवोकेट वकील बन रहा है, ये अच्छा ये प्रोफेसर और ये टीचर लेक्चरर बन रहा है कॉलेज का लेकिन कैसा ईमानदार बन रहा है। ये चीजें सीखनी है पढ़ाई के साथ भाई, क्या करनी बोलो, सीखनी है। जब नियत करते हैं इंशाल्लाह सीखोगे इसको, तो हमारे वो साथी जिनकी पढ़ाई फाइनल ईयर में और दो चार छह महीने के बाद इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तो हमारी तो उन साथियों से गुजारिश है कि आप कहीं भी जॉब करो, कहीं भी लगो, इससे पहले क्या लगाओ, चार महीने लगाओ, क्या लगाओ, चार महीने लगाओ कहीं भी जॉब करने से पहले। आप लालच में आ गए और वहां कहीं भी आपने प्राइवेट में गवर्नमेंट में जॉब ज्वाइन कर ली तो आपको कब छोड़ेंगे जानते हो, जब साइंट के हो जाओगे तब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, साइंट जाओगे तो ये 70% सफेद हो गया होगा, क्या हो गया होगा, हाँ ऊपर के बस सलामत होंगे लेकिन नीचे के सारे दांत हिलते होंगे, और गैर में चश्मे के बगैर तो आपको चीज देख नहीं, वो आपको जैसे वो गन्ने में रस निकालता है ना, एक बटा डाला फिर निकाला फिर डाला फिर निकाला फिर डाला फिर निकाला फिर लपेटा फिर डालता है ना, देखा ले ऐसे गन्ने की तरफ पिल 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 के आपका रस निकाल देंगे, समझ रहे, और तश्कील वाले घर पहुंचेंगे, शायद तुम्हें रिटायर से गया चार महीना, अरे भाई घुटन बोले ये लाइफ होती है मेरे भाइयों। इसलिए हम आपसे अर्ज करते हैं हमारे खास करके फाइनल ईयर के बच्चों से, ये स्टूडेंट हमारे, ये कहीं भी आप यहाँ कहीं भी रहना चाहते हैं, यहाँ जॉब चाहते हैं या बाहर मुल्कों में जाना चाहते हैं, आप जाए हम इससे इनकार नहीं है, मैंने अल्लाह ताला आप में खूब खैर बरकत नसीब फरमावे, लेकिन एक बात चार महीने की हजरत मौसा रसूलुल्लाह फरमाते थे, मेरे दिल की तमन्ना है कि हर मोमिन का इंतकाल से पहले चार महीने लग जाओ, हर मोमिन का क्या लग जाओ बोलो, इंतकाल से पहले पहले क्या लग जावे, चार महीने लग जावे, कि चार महीने की बरकत से अल्लाह ताला इसके दिल की जमीन के अंदर ईमान का बीज डाल देता है, क्या कर देता है, ईमान का बीज डाल देता है, और जब आदमी मकाम पर आने के बाद गश्तों में तालीम में मुलाकातों में मस्जिद और जमातों में रोज की मेहनत के अंदर जुड़ता है ना, इस ईमान के बीज को पानी मिलता रहता है, और यही ईमान का बीज अंदर से फलता है फूलता है, और यहां तक कि अंदर क्या हो जाता है बोलो, तनावर दरद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अब जिंदगी में नमाजों की पाबंदी है, जिंदगी में तालीम की पाबंदी है, अच्छे अखलाक का ये आदमी हामिल है, माँ बाप की आंखों की ठंडक है, अपने वीर बच्चों के लिए सुकून का जरिया है, और अल्लाह ताला इसके हाथों में बरकत डाल देता है, इसके काम में बरकत डाल देता है, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत डाल देता है, खुदा पाक इसकी सोच को खाली दुनिया नहीं, ओ मेरे भाइयों खाली दुनिया नहीं, अल्लाह इसके अंदर की सोच को आखिरत की सोच बता देता है, आखिरत की सोच बन जाती है, इसको ये फील रहता है हर वक्त मुझे दुनिया में किसी को नहीं कल आखिरत में अल्लाह को जवाब देना, मुझे दुनिया में किसी को नहीं, मुझे किसको देना है, आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है, इस फीलिंग के साथ आदमी क्या है अपने अपने मैदान में अपनी अपनी फील्ड के अंदर काम करता है, तो अल्लाह ताला इसके लिए क्या कर देता है, लोगों के कुलूब में इसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, लोगों के दिलों में अल्लाह इसकी इज्जत पैदा कर देता है, महबूबियत लोगों के दिलों में, मकबूलियत लोगों के दिलों में इसकी पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों चार महीने हम आपसे मांगते हैं, तो इसमें जितने फाइनल के हमारे जितने एग्जाम फाइनल के स्टूडेंट है कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ, इसमें फाइनल वाले कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, कौन है फाइनल वाले इसमें, ग्यारह, आप सब खड़े हो जाओ, ग्यारह के ग्यारह खड़े हो जाओ, और कौन है भाई सर, सर दो तीन हाथ उठे, खड़ो बेटा खड़े हो जाओ, कहां का बच्चा है, म्यूचुअल नगर की हो सर्किट की हो, पूरा क्यों, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, भाई आप तेरह तो ये नियत कर लो इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले चार महीने लगा ली, भाई नियत करते हो, भाई आप लोग नियत कर, अच्छा आप लोग के चिल्ले चिल्ले लगे, आपका चिल्ला लगा है, आपका लगा है, आपका चिल्ला लगा है पहले, नहीं आपका लगा है,
और कौन है? और कौन है हमारे सिग्नल में? आपका सिग्नल लगा चाहिए, आपका नहीं, आपका लगा सिग्नल, आपका दोनों का सिग्नल लगा, भाई का नहीं लगा, आपका लगा बेटा नहीं लगा, आपके दोनों की सिग्नल अच्छा, आप 11 किस तरफ आ जाओ, कौन में आ गए भाई, तुम इधर से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सबको लगे कहाँ बैठे, चलो वहां चले जाओ, कौन है, कौन बोला नाम, बोले भाई के पास पहुंचेंगे भाई, थोड़ी देर बैठे भाई, अब मगरिब का वक्त करीब ही है, थोड़ी देर बैठा था वो उबैदुल्ला भाई और साकिब भाई जो पीछे की तरफ जा रहे हैं भाई, भाई दूसरे बैठे सुकून से, ओ भाइयों बैठो 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 बैठो, अच्छा इसमें हमारे ग्यारहवीं वाले कितने जरात हुआ, ग्यारहवीं क्लास में पढ़ते हैं ऐसे कितने, ग्यारहवीं वाले बारहवीं वाले कितने, बारहवीं वाले बताओ, बारहवीं वाले बहुत अच्छा माशाल्लाह, देखो बाकी जितने हमारे ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं इनके अलावा जितने हमारे ग्यारहवीं के हैं, बारहवीं के हैं, कॉलेज के किसी भी सेक्शन के हैं, आईटीआई के हैं या और किसी डिग्री के हैं, ये आगे है ना अप्रैल मई के अंदर सबको वैकेशन मिलेगा, पिछले 3 साल में ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, रमजान वैकेशन सब मिक्सिंग हो गए, रमजान और वैकेशन सब क्या हो गया, मिक्सिंग, इस साल हमारी ईद है 10 अप्रैल को, ईद कब है बोलो,